डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्री निर्वाण दिवस। भारत गौरव संस्था द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्री निर्वाण दिवस को समर्पित समरसता दिवस पर विशेष सेमिनार करवाया। भारत गौरव संस्था की तरफ से देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के प्री निर्वाण दिवस को समर्पित समरसता दिवस पर विशेष सेमिनार का आयोजन होशियारपुर के खानपुर गेट स्थित शिराज रेजेंसी होटल में किया गया। सेमिनार का आगाज संस्था के प्रधान श्री विजय सांपला व अन्य गणमान्यों द्वारा ज्योति प्रज्वलित करके किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर कुमार तथा पीयू रीजनल कैंप स्वामी सर्वानंद गिरी के हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट डॉक्टर ब्रजेश कुमार, सेमिनार में अंबेडकर फाउंडेशन से श्री मंजीत भाली ने भी अपने विचार रखे। भारत गौरव संस्था के प्रधान माननीय श्री विजय सांपला जी ने आयोजित गोष्ठी के दौरान भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को समर्पित इस विशेष सेमिनार में आए हुए सभी समस्त शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया किया। उन्होंने समरसता दिवस के बारे में बताया कि समरसता का अर्थ है समाज को एकजुट करना एवं पारंपरिक भेदभाव को समाप्त करना। यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक आंदोलन है। इस बुराई का खात्मा जागरूक समाज के द्वारा ही किया जा सकता है, तभी जाकर समाज में वास्तविक समरसता का भाव उत्पन्न होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए उनमें प्रेम एवं अपनत्व का भाव जगाने की आवश्यकता है। कुंठित मनों से विषमता की भावना को दूर करने की आवश्यकता है। जय भावना दूर करने के लिए उनके साथ परस्पर प्रेम एवं सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे सभी लोग जातिगत भेदभाव को दूर कर सकेंगे। होशियारपुर से दलजीत सिंह अजनोहा। आज यहाँ गौरव संस्था ने समरसता दिवस के रूप में इसको मनाने का जो है आयोजन किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश को संविधान दिया था 26 जनवरी 1950 को, तो उन्होंने कहा था कि आज से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी तौर पर प्रत्येक देशवासी जो है एक समान है, क्योंकि उन्होंने तमाम जिंदगी जो समाज में समानता थी उसके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी, और जो समाज का दबा कुचला वर्ग था, मजदूर, दलित, महिला वर्ग, उन सब के लिए काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया। और सचमुच में मैं ये समझता हूँ कि आज जो हम उनके जो पुण्यतिथि पर समरसता दिवस का आयोजन कर रहे हैं, अगर सचमुच में समाज में समरसता आए जिस तरह की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उनको सामना की थी, तो इस तरह के योजन जो है उनके बाबा साहब का सपना जो साकार करने के लिए जो है वो योजन किए जाते हैं, और आज भी इसका योजन हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर इससे समाज को जो बातें यहाँ हुई हैं और समाज समझेगा, सचमुच ये समरसता और समानता के लिए एक कदम है। जो रतन भारत का इनको मिला गया है, लेकिन सरकारी तौर पर बात की जाए तो इसका समागम इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में क्या? जो वर्तमान सरकार है, मैं समझता हूँ कि इससे पूर्व में जो भी सरकारें रही, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने चाहे पांच तीर्थ के नाम से, चाहे इनकी जन्मस्थली हो, चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे आप चैत्यभूमि हो, पुष्कल्या हो, इनके नाम पर बहुत बड़े मतलब जो ये करना चाहिए था, इंग्लैंड में जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, नागपुर में दीक्षा भूमि, और बहुत बड़े मतलब जो कार्यक्रम है वो वर्तमान सरकार जो है वो कर रही है। संविधान दिवस वर्तमान सरकार ने जो है वो मनाने का निर्णय लिया 19 नवंबर 2015 को। इससे पहले तो किसी सरकार ने किया नहीं, लेकिन जितने योजन जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वर्तमान सरकार कर रही है, पहले वो उतने नहीं हुए। वोट बैंक की राजनीति हुई, लेकिन जो है वो बाबा साहब को जो मान सम्मान देना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन ये सरकार पूरा प्रयास के साथ जो है वो जो केंद्रीय सरकार है वो बाबा साहब को जो है पूरा मान रही है। सर आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस जरा
असी समरसता दिवस के रूप से मनाया। समरसता भाव समाज के बराबरता होनी चाहिए, जो डॉक्टर साहब अंबेडकर जी का सुपना सी और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जी समरसता के उत्ते इक्वलिटी के उत्ते और आपसी जो वितकरे खत्म करके समाज में सीध देने की कोशिश की और देश की उन्नति दे अपना योगदान पाया और सानू सारे जी शिक्षा भी दी है वो यही दी है कि असी चाहे सानू जिंदगी किनिया भी रुकावटा हो किन्ने तसीहे हो पर साड़ी जी साडा मंतव है वो समाज सेवा करना देश सेवा करना और अपने काम जिन्ना समय मिले वो नेकी के रास्ते चलते हुए चाहे कोई साथ आवे ना आवे इसकी परवाह किए बिना ही वो अपना समाज काम कर और ये सब तो वड्डी समरसता दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने नारी दे लई दलितां दे लई और इस नूं आर्थिक पक्षों विकसित करन दे लई देश नूं अपना काम किया और देश का संविधान लिख के सारिआं नूं इक्वल एक लड़ी दे विच परोया। ये सारी नूं याद करन दा अज दा कार्यक्रम समरसता दिवस दे उत्ते असीं मनाया गया जिहदे विच विशेष रूप से डॉक्टर सिकंदर जी जिहड़े हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने और डॉक्टर ब्रजेश जी जिहड़े पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़े चंडीगढ़ का रीजनल सेंटर जिहड़ा है वो हुशियारपुर च उहदे लॉ डिपार्टमेंट के ये जिहड़े एच ओ डी ने वो विच आ के उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन तो पंजाब सरकार वालों कोई एडे वे पद्धर से नहीं जबकि अमेरिका साहब ने अमेरिका तक भी सम्मान किया। देखिए मेरा कर्तव्य सी मेरे अंदर जज्बा सी मैं ये लगा कि मैं अज किसी बदौलत है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की, अज देश विकसित है तो डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत है, अज नारी विकसित है तो डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है और मैं अज इस मुकाम से पहुँचा तो डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। सो मेरी जो भावना सी मैं इच्छा करा कि देश के नागरिक हरेक नागरिक के भावना होनी चाहिए और मैं अज के दिन उत्ते किसी क्रिटिसाइज करने नहीं क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है एक संस्था एक हैगी है साडा उहदे वल्लों जिहड़ा कार्य है और इस करके सरकार की करती है की नहीं करती है मैं उहदे ते ना जाके मैं अपना कर्तव्य निभावां। अज असीं इह वी किहा कि असीं इंसान बणीए और अपने दूसरिआं नूं कंध दे लई कहीए कोई करे ना करिए पर आप जरूर असीं अच्छे बणीए और उस दृष्टि ने असीं अपना फर्ज निभाया।